हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट के बारे में। तो उसमें पहला टेस्ट है यहाँ पे एपीओएबी टेस्ट, जिसको बोलते हैं एपोलिपोप्रोटीन A1 एंड एपोलिपोप्रोटीन B। ये दोनों ही मेजर प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे लिपोप्रोटीन के। लिपोप्रोटीन मतलब क्या? तो यहाँ पे जो HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, इसमें होता है एपोलिपो A1। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, तो उसमें होता है एपोलिपो B1। इसमें देखें तो जो एपोलिपो A1 है उसका लेवल बड़ा है, तो ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि HDL का एक कंपोनेंट होता है, एक भाग होता है। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, मतलब कि कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लेक का जमा होना, ऐसी कंडीशन रहती है, इनका रिस्क कम है वो दर्शाता है। उसके अलावा देखे तो जो एपोलिपो B है वो यहाँ पे LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका कंपोनेंट होता है, तो ये अगर बढ़ा है खून में तो ये दर्शाता है कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, उसका रिस्क है। ओके, आगे का टेस्ट है यहाँ पे CA15-3। तो यहाँ पे ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को दर्शाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, तो वो अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं, उसके मॉनिटर के लिए ये टेस्ट करते हैं। उसके अलावा देखिए तो अगर ये कुछ हद तक बढ़ा है तो ये दर्शाता है कि आपकी जो ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है वो खराब हो रही है। उसके अलावा देखिए तो इसमें मेटास्टेसिस की कंडीशन रह सकती है आप में, कि यहाँ पे उसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो यहाँ पे जो कैंसर है वो बोन है, हड्डी है, उसके अलावा देखिए तो लीवर है, वैसे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है, तो ये दर्शाता है। तो यहाँ पे CA15-3 है वो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए करते हैं। आगे का टेस्ट है यहाँ पे होमोसिस्टीन टेस्ट, जो कि एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड क्या होता है? तो एमिनो एसिड एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो होमोसिस्टीन है वो एक प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि जो विटामिन B12 है, B6 है, फॉलिक एसिड है, वो जब टूटते हैं तो उनसे ये होमोसिस्टीन बनता है। होमोसिस्टीन का लेवल है वो किस किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है? तो यहाँ पे ये विटामिन की डेफिशिएंसी की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा देखिए तो हार्ट की बीमारियों में रह सकता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी में जो प्लेक जमा होता है, तो वैसी कंडीशन के रिस्क के साथ में भी यहाँ पे ये होमोसिस्टीन लेवल है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा देखिए तो वेनस थ्रोम्बोसिस, जो नलियां है खून की उसमें थ्रोम्बोज बन जाते हैं, तो उस कंडीशन के रिस्क में भी ये साथ में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ये जो प्रेगनेंसी है उसके कॉम्प्लिकेशन में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है, एनेंसिफेली की कंडीशन होती है, तो ऐसी अलग अलग कंडीशन के रिस्क में भी यहाँ पे ये होमोसिस्टीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, इसके साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ये फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होएगा तो उस कंडीशन में। उसके अलावा देखिए तो होमोसिस्टीन यूरिया की कंडीशन होती है, जो कि एक प्रकार की इनहेरिटेड डिसीज होता है। ओके, मतलब कि ये एक वारसागत बीमारी रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो एमिनो एसिड है वो टूटना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो होमोसिस्टीन जो टॉक्सिक है वो एक्यूमुलेट होता है हमारे शरीर में। आगे का टेस्ट है यहाँ पे APTT टेस्ट, मतलब कि एक्टिवेटेड पार्शियल टाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, जो कि यहाँ पे जो खून हमारा है वो अच्छे से जम रहा है या फिर नहीं, उसको देखने के लिए ये टेस्ट करते हैं। मतलब कि आपका जो खून है उसको जमने में कितना समय लगता है, तो वो दर्शाता है यहाँ पे APTT टेस्ट, मतलब कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट है, वो ये दर्शाता है कि आपका जो खून है वो कितने समय में जमता है। दूसरा वैसा ही टेस्ट होता है PT टेस्ट, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, तो ये भी यहाँ पे आपका जो खून है वो कितने समय में जमता है उसको दर्शाता है। ये दोनों टेस्ट है वो यहाँ पे खून कितने समय में जमता है उसको दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखे तो अगर जो APTT टेस्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और जो PT टेस्ट है वो नेगेटिव होता है, तो वो दर्शाता है कि आप में यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो शरीर के अंदर के सिस्टम में प्रॉब्लम है, मतलब कि खून नहीं जम रहा उसमें, आपके शरीर के अंदर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होएगा। जैसे कि इसमें जो हमारा खून है वो जमने के लिए यहाँ पे 13 फैक्टर्स होते हैं, 13 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ पे मिलके जो हमारा खून है उसको जमाते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रोटीन्स फैक्टर्स है वो यहाँ पे हमारे शरीर में एब्सेंट हो गए, उनकी डेफिशिएंसी होगी, तो उस कंडीशन में खून नहीं जमता। तो वो कौन कौन से रह सकते हैं? तो उसमें देखे तो जो फैक्टर्स 8वां है, 9वां है, 11वां है और 12वां है, तो उस कंडीशन इनकी कमी की वजह से भी आप में खून अच्छे से नहीं जमता। उसके अलावा देखे तो जो PT टेस्ट होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और जो APTT टेस्ट है वो नेगेटिव है, तो ये दर्शाता है कि आप में प्रॉब्लम जो है वो एक्सट्रिंसिक जो सिस्टम है उसमें है, मतलब कि यहाँ पे आप में प्रोथ्रोम्बिन जो एक प्रकार का जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है वो यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम होएगा, उसकी डेफिशिएंसी की कंडीशन रहेगी,
वो उसकी कमी की कंडीशन रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में भी आप में यहाँ पे अच्छे से नहीं जमता जो आपका खून है वो। ये जो टेस्ट है वो सर्जरी से पहले करते हैं, उसके अलावा देखे तो लीवर की प्रॉब्लम में भी ये टेस्ट करते हैं, और भी यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है उस कंडीशन में भी आप ये टेस्ट करवा सकते हो, जैसे कि आप में खरोचे लग जाती है, ब्रूइज लग जाती है, उसके अलावा देखे तो खून अच्छे से नहीं जमता, उसके अलावा देखे तो पेशाब है, मल है, उसमें खून का आना, मसूड़ों से खून का आना, नाक से खून का बहना, उसके अलावा देखे तो जोड़ों में सूजन होना, दर्द होना, उसके अलावा देखे तो यहाँ पे ये महिला में पीरियड्स में ज़्यादा खून निकलता है। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन में भी आप में यहाँ पे ये जो टेस्ट है, मतलब कि पीटी टेस्ट है और जो पीटी टेस्ट है, प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग टेस्ट और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट है, ये करवा सकते हैं। ये थे कुछ टेस्ट के बारे में, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। आगे हम और भी ऐसे अलग अलग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।